1999 में जब हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा, हम तो वहीं चौंक गया। और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है, और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। तो देखने में अलग, खान पान में अलग, सोच विचार में अलग, उसी तरह हम लोग 50 से 60 साल रह के आया। हमारी आंख भी छोटा है मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूं। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं, और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हमारे लिए भी ये पहले बार है इस स्थान में आके एक जनजाति का कार्यक्रम में, फूल दिवस के कार्यक्रम में जनजातियों के बारे में बात करते हुए, विचार विमर्श करते हुए राजधानी की इस इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थान में जनजाति के विषय में बात करते हुए हम मन में वहां बैठ के मन में हम यही सोच रहे थे कि ये दिन अगर 1947 के बाद थोड़ा जल्दी देखा होता तो जनजाति के साथ इतना सोच विचारों को देश के साथ मिल के जाने में मुश्किल नहीं होता। ये बहुत भावना वाला बात है हमारे लिए। कहते हैं कि हम लोग जनजाति हैं। बहुत बार अगर हम अपने विषय में, अपने सोच विचार के बारे में हम बताएंगे तो आप सोचेंगे कि भाजपा का अध्यक्ष है नागालैंड का, तो वो भाजपा वाला बात बोल रहा हो, मगर वैसा नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी होने वाला बात बोल रहे हैं। सुनील जी को मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं हमारे वशिष्ठ बाबूलाल जी को हम कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था जो उन्होंने बताया। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे, उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे दो आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे, तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने यह भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहां कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। छोटी छोटी बातें हम याद करना चाहते हैं, हम बड़े बड़े बातों को लेके दिल्लीवासी के सामने हम रखना नहीं चाहेंगे।
क्योंकि हम लोग छोटे छोटे गांवों में रहने वाले जनजाति है और हम पहाड़ की चोटी में रहने वाले जंगलों में रहने वाले जनजातियां हैं। आज अगर हम देखें कि हुल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, कल के दिन है, 50,000 लोग एकत्रित होकर जनजाति और दो स्त्री दो औरतों ने लेके 25,000 लोग का बलिदान हुआ इस देश की आजादी की जो सफर है उसमें उन्होंने बलिदान किया। हम नहीं जानते थे कि इतना लोग ने भी बलिदान किया क्या। उसी तरह हमारे राज्य नागालैंड में भी कुछ बातें हैं जो आज तक उभर के नहीं आया, जैसे कि सुभाष जी और उनकी सेना जो है नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट की छोजुबा इलाका तक पहुंच के आया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम भी उसी सरकार में हैं, मगर हमारी सरकार गठबंधन है और ये इकरार नहीं करते हैं कि सुभाष जी वहां तक आके चला गया। और वहां ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, आज 100 साल की उम्र की कोई बुजुर्ग है, कोई 99, कोई 95 इयर्स एंड अबव के लोग हैं, जो वो कहानी कहते हैं कि वो एक साथ सुभाष जी के साथ उस इलाका तक जापानी लोगों के साथ लड़ने के लिए वो लोग आया था और उस तरह का माहौल रख के इस देश का आजादी हुआ। बहुत सारे लोगों के लिए तो आजादी का कहानी सिर्फ चंद परिवारों के नाम लेके, चंद लोगों का नाम लेके, हम सब भी उनमें से है जो यहां तक पहुंच के आया है। मगर आज जब हम ये सुनते हैं और जानते हैं कि इस देश की आजादी के लिए हम सबों ने कितना बड़ा भाग लिया, हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा भाग लिया, छोटे से छोटे इलाका में, छोटे से छोटे स्थान में, अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए अपने जान गवाया, अपने जीवन को बिताया, इन चीजों का नैरेटिव, इन चीजों का कहानी, इन चीजों के विषय में हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब आए, आज हम भी एक युवा है आप लोगों की तरह, आज समझने के लिए ये आते हैं कि अंग्रेज ने बहुत अच्छा नैरेटिव बनाया और हम लोगों के इतिहास को पूरा खत्म करने के लिए, नेस्तनबूत करने के लिए पूरा कोशिश किया और आज उसका परिणाम पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में आज भी है, नागालैंड जैसे राज्य में, मिजोरम जैसे राज्य में, मणिपुर जैसे में और अरुणाचल जैसे में, बहुत सारे स्थानों में उस नैरेटिव का सोच विचार और विचारधारा को लेके आज तक इस देश के साथ है। और हम सबों का काम बनते हैं कि उस विचारधारा को निकाल के जो सत्य विचारधारा है, सत्य नैरेटिव है, उस नैरेटिव के मार्गदर्शन में हमें लेके चलना चाहिए। आप लोग तो बहुत खुश नसीब वाले लोग हैं कि आपको जब कहे भारत माता की जय, कहिए ना, गर्वान महसूस होते हैं। अब पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में जाइए, सन्नाटा के आवाज के सिवा कुछ और जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत नैरेटिव लेके आया गया है।